दिल्ली से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर कल रात पत्थर फेंके गए। इस वक्त बड़ी खबर ये, मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे ट्रैक के नारा जड़ोदा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें ट्रेन के शीशों पर खरोंच के निशान आए हैं। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। पथराव वंदे भारत एक्सप्रेस के E1 कोच पर हुआ है। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पथराव की वजह से शीशे पे एक खरोंच का निशान पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं दरार पड़ी हुई है। पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है। रेलवे का ये कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए RPF की टीम काम कर रही है। हालांकि नारा जड़ोदा के रेलवे स्टेशन मास्टर पत्थरबाजी की घटना से इनकार कर रही है। देखिए, लगातार जब से वंदे भारत का उद्घाटन हुआ है, कोई ना कोई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जब वंदे भारत पर पथराव की जो ये घटना है कई बार सामने आ चुकी है। और एक बार फिर ये घटना, दिल्ली से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से कल रात पत्थर फेंके गए हैं और मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे ट्रैक के नारा जड़ोदा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन पर ये पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं, एक पैसेंजर ने वीडियो बनाई है जिसमें ये कैप्चर किया गया है किस तरह से पत्थर से खरोंच आई है और दरार पड़ी है। देखिए, ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। पथराव वंदे भारत एक्सप्रेस की E1 कोच पर हुआ है। पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है। रेलवे का ये कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए RPF की टीम का अपना काम कर रखी है। हालांकि नारा जड़ोदा के रेलवे स्टेशन मास्टर पत्थरबाजी की घटना से इनकार कर रही है। वंदे भारत में ऐसे हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है पथराव की, और वो अपने समय पे प्रॉपर निकली है, कहीं वो रुकाव नहीं हुआ उसका और वो अपने समय पे निकली है। उस पर ऐसी कोई सूचना हमें ना मिली है और ना हमें कोई ड्राइवर ने, गार्ड ने लिखित में कोई रिपोर्ट दी है। उस चीज़ का तो जानकारी है नहीं हमारे पास, लेकिन ये हमारे यहाँ से शाम को 7:28 पर निकल गई थी, यहाँ से थ्रू पास हो गई थी। हाँ, हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक निकली है और हमारे पास ऐसी कोई प्रकार की सूचना नहीं आई। नहीं, इस कोई सूचना नहीं, ना RPF की तरफ से, ना हमारे ट्रेन में जो ड्राइवर गार्ड होते हैं उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।